ओमकारेश्वर रोड ट्रिप पार्ट टू राम राम दादू हरा गानों के साथ सुर मिलाते हुए और इन रास्तों के नजारों को देखते हुए ओमकारेश्वर के लिए हम बढ़े जा रहे थे। पर रास्तों में घाट से व्यू बड़ा सही आ रहा था यार, तो रुक कर थोड़ा पोज वोज मार लिए। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। फिर से हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगे, पर क्या ही हमारे साथ गजब ही हो गया यार। भाई इतना लंबा ट्रैफिक जाम, ओहो बच गए भाई। जल्दी पहुंचने के चक्कर में हमने शॉर्टकट भी ले लिया यार। ओमकारेश्वर डैम के ऊपर से जो रास्ता जाता है ना, हमने वो रास्ता लिया। हमारी किस्मत भी इतनी छोटी हुई थी ना कि बताइए, ओमकारेश्वर सिर्फ यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी में था, पर क्या बताएं, रास्ता ही बंद निकला, जिसके कारण हमने अप्रोक्सीमेट 30 किलोमीटर का डाइवर्जन लेना पड़ा। फिर से हम जाम में फंस गए यार, और बच चुके थे शाम के 4:30। हम सबको लगने लगी थी भाई बड़ी जोरों की भूख, इसलिए हम हाईवे पे ही गाड़ी रोक के खाना खाने के लिए रुक गए पंचवटी होटल पे। खाना खा के भी निकले तब भी फंस गए यार ट्रैफिक जैम पे। शाम के 6:30 बज चुके थे और अभी तक अपन ओमकारेश्वर पहुंचे नहीं एग्जैक्ट, अभी हम आउटर पे ही जाए जा रहे थे। और यहाँ पास से अब हमें लग रहा था कि हमें अब यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर देनी चाहिए और हमें जाना चाहिए अब आगे ऑटो से, क्योंकि यहाँ से ज्यादा तो नहीं 6 से 7 किलोमीटर बचे हैं ओमकारेश्वर पहुँचने के लिए। तो हम आउटर पे ही अपनी गाड़ी को पार्क करके ले लेते हैं ऑटो। ऑटो में भी हम मजे करते हुए महादेव का नाम लेते हुए शाम के 7 बजे बड़ी मुश्किल से पहुँचते हैं ओमकारेश्वर। असली स्ट्रगल तो अब शुरू होने वाला है, महादेव के दर्शन वाली लाइन में लगते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं इस चीज को बहुत अच्छे से दिखाने वाला हूँ, इसलिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, यूट्यूब चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। महादेव।